हमीरपुर के डीएवी स्कूल की दृष्टि परीक्षा व चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीधा संवाद करेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 10 छात्रों का चयन पीएम मोदी के परीक्षा चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है, जिसमें हमीरपुर जिला से एकमात्र डीएवी स्कूल सिलासी की छात्रा दृष्टि का चयन हुआ है। ये कार्यक्रम 20 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। हमीरपुर के डीएवी स्कूल की दृष्टि परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा संवाद करेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 10 छात्रों का चयन पीएम मोदी की परीक्षा चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है, जिसमें हमीरपुर जिला से एकमात्र डीएवी स्कूल सलासी की छात्रा दृष्टि का चयन हुआ है। ये कार्यक्रम 20 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगी। वहीं हैरानी की बात ये है कि इस कार्यक्रम के प्रदेश के चयनित सभी छात्र प्राइवेट स्कूलों से संबंध रखते हैं, जिसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी सरकारी स्कूलों में बच्चों में कमी को माना है। डीएवी स्कूल हमीरपुर की छात्रा दृष्टि चौहान अपने चयन को लेकर काफी उत्साहित है और दृष्टि ने अपने चयन का श्रेय स्कूल प्रबंधन और स्टाफ को दिया है। दृष्टि चौहान ने बताया कि परीक्षा में चर्चा के लिए निबंध प्रतियोगिता में ग्रेटिट्यूड इज ग्रेट विषय में लिखे गए पत्र के आधार पर मेरा चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से सीधे संवाद में परीक्षा के दौरान तनाव से कैसे निपटा जाए और पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एक समय में निपटा जाए, ये कैसे संभव होगा। दृष्टि ने कहा कि पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम छात्रों के लिए लाभ होगा। मैं इस बारे में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं बहुत थैंकफुल अपने डीएवी स्कूल हमीरपुर के स्टाफ को और टीचर्स को, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना अच्छे से मोटिवेट किया कि मैं लिख सकूँ। हमें स्कूल में बताया था कि एक परीक्षा पर चर्चा हो रही है जो पिछले साल ही स्टार्ट हुई है, तो उस पर हमें 4 टॉपिक्स थे, उसमें से एक टॉपिक था ग्रेटिट्यूड इज़ ग्रेट। मैंने उस पर एक ऐसे लिख के दिया था जिसमें मैंने टीचर्स को थैंक यू किया था। वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं, उनकी वजह से हम इतने आगे जाते हैं, इसलिए उनको मैंने थैंक यू लेटर लिखा था उसमें, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं एक्साइटेड भी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ ये सुन। ऐसे तो उसमें स्ट्रेस के ऊपर है, पर मैं ये पूछना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर से कि हम स्टडीज़ के साथ टेक्नोलॉजी को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे सोशली एक्टिव होना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है, तो हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं इन दोनों के लिए। ये बहुत लाभकारी है। वैसे भी अभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर हमें कुछ टिप्स देंगे जिससे हम अपने स्टडीज़ में अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी है स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने दृष्टि का चयन परीक्षा में चर्चा पर होने पर खुशी जाहिर की और गर्व से कहा कि पीएम मोदी की अच्छी पहल है और इससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदमों के साथ तनाव को दूर रखकर पढ़ाई की जाए, ये एक चुनौती बन गई है। देखिए, हम सभी के लिए ये और ना सिर्फ डीएवी हमीरपुर बल्कि एंटायर डीएवी फ्रेटर्निटी, हमारे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा दृष्टि को भी, इसके पेरेंट्स को भी और स्पेशली हमारे टीचर्स को, जिन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया कि वे अपने विचार इस तरह से और अच्छे तरीके से रख रहे हैं। डीएवी संस्था, हमारे मेंटर्स, हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स ईयर है कि हमारे प्रधान जी इस बार आए थे और उनकी वजह से ही ये सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। ये एक बहुत अच्छा इवेंट रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक पहल की है जिसमें बच्चों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो सभी देते हैं, हमारे टाइम में हम भी दिया करते थे, जबकि कोई ऐसी इवेंट या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ हम अपने स्ट्रेस को या अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। दृष्टि ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे भी और टीचर्स के साथ भी ये बातचीत करके ये इशू रखा है कि टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत इंटरफेरेंस हो गई है लाइफ में बच्चों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इवन कि 99.9 भी आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे समय में किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने स्ट्रेस को दूर रखते हुए कैसे पढ़ाई में एडवांस किया जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सृष्टि एंड मोटिवेशनल फॉर ऑल द यंग स्टूडेंट्स। मैं बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय मैं अपने सारे स्टाफ, अपने सारे टीचर्स को देना चाहूँगा, हमारी मैनेजमेंट को देना चाहूँगा, हमारे आदरणीय आनंद स्वरूप जी जो चेयरमैन हैं स्कूल के, जो हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं, गाइड करते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दृष्टि सिर्फ डीएवी में नहीं बल्कि पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इकलौता ऐसा बच्चा है जिसने ये गौरव प्राप्त किया है प्रधानमंत्री जी से मिलने का। मुझे आशा है कि सृष्टि
दृष्टि वहाँ पर ज़रूर प्रधानमंत्री जी से भी एक अच्छा सवाल पूछेगी जो औरों के लिए भी लाभदायक होगा। पीएम मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा पर सरकारी स्कूलों के एक भी विद्यार्थी के शामिल नहीं होने पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी कमी को माना है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्किल बढ़ाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आने वाले समय में सरकारी स्कूल भी बेहतर परिणाम लाएंगे, जिसके लिए प्रयास जारी है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने माना कि निजी स्कूलों में चर्चा और वाद विवाद में बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चों से बढ़िया होते हैं और थोड़ी दिक्कत को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। यह संभव हो सकता है क्योंकि उनकी स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं, डिस्कशन की और चर्चा वाद विवाद, वो सरकारी स्कूलों के मुकाबले पर जो है वो बेटर होती हैं। हम भी जो है वो इसको प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपनी जो है वो हमारा जो बैग फ्री डे है, पहले नहीं होता था, सरकार प्राइवेट स्कूलों में बहुत शुरू से होता है, और वो इसमें जो है वो कुछ लोगों को इसी प्रकार की स्किल्स इत्यादि के लिए तैयार करते हैं। अब सरकारी स्कूलों में जो है वो किसी को अगर थोड़ा सा हाथ भी लगा दिया तो मीडिया एकदम से जो है उसको पकड़ लेता है, उछाल लेता है कि टीचर ने इसको हाथ लगा दिया। प्राइवेट स्कूल वालों को तो पता भी नहीं चलता कि क्या करते हैं, वो तो चिट्ठी पर लिखते हैं और अपने जो है माता पिता को बोलते हैं, माता पिता उनको पकड़ कर लेते हैं, माता पिता पीटें तो कुछ करें जो करें वो कर सकते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत है सरकारी स्कूलों में, लेकिन सरकारी स्कूलों की कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स भी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स का टैलेंट भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म के कारण या उनकी स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं उसमें ज़्यादा होती हैं वो, तो इसलिए जो है वो उसमें कमी हो सकती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भी ठीक आए है।